आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई उपनगर अंधेरी पश्चिम भवंस कॉलेज में मानवाधिकार आपातकालीन सामाजिक हेल्पलाइन नामक संस्था की तरफ से विश्व मानवाधिकार दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक दुर्गा प्रसाद तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित तिवारी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सिंह, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वंश बहादुर जायसवाल, महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कल्होत्रा, जिलाध्यक्ष जलील अहमद के अलावा संस्था के कई पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित थे। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सर, अभी जिस तरीके से आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया, बहुत कम समय के अंदर सभी लोगों को हमने निमंत्रण भेजा, और सबसे अच्छी बात यह है कि मानवाधिकार के खुद महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हमारे प्रमोद साहब, हमारे जायसवाल साहब और हमारे वरिष्ठ जितने भी लोग हैं ये सब आए, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं ये सब आए। यानी इतने कम समय के अंदर यहाँ लोगों का उपस्थित होना इस बात की गवाही देता है कि मानवाधिकार आज भी पूरी तरीके से ज़िंदा है, और हम लोग इसको ज़िंदा रखने के लिए हर दम इसी तरीके से प्रमोद साहब के साथ मिलकर के चलते रहेंगे और इस मानवाधिकार को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही हमारी सभी लोगों के साथ में शुभकामनाएँ हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग भी हमारा इसी तरीके से साथ देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो 1948 से विश्व में मनाया जाता है, लेकिन लगभग 10 साल से मैं एक्टिव हूँ, और हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस ये महाराष्ट्र के अंदर में मनाता हूँ, ये कार्यक्रम रखता हूँ, और हम लोग सब मिलकर के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग मिलकर के मनाते हैं। सवाल, जब मुंबई अध्यक्ष हमारे अधिकारी को शुभेच्छा देंगे प्रमोद जी के बारे में। प्रमोद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और सब पार्टी को जितने कार्यकर्ता हैं सबको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी कोरोना काल की वजह से थोड़ा बहुत कुछ हम लोग नहीं कर पाए, तो जितना हो सका उतना किए हैं।